वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पूरी क्वांटम इन्हीं पोस्टुलेट्स पर बेस्ड होती है। तो इसमें पहला पोस्टुलेट्स आता है आपका कि हम किसी भी सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन उसके वेव फंक्शन साइज से निकाल सकते हैं कि वो किस सिस्टम का, क्योंकि चार सिस्टम पढ़ते हैं हम क्वांटम में। एक आपका बॉक्स वाला सिस्टम जिसमें 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स पढ़ते हैं, दूसरा रिजिड वाटर वाला सिस्टम, तीसरा हाइड्रोजन एटम वाला सिस्टम, और चौथा हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO वाला सिस्टम जिसमें हम वाइब्रेशन मोशन की स्टडी करते हैं किसी भी सिस्टम की। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है पहला पोस्टुलेट है द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय वेव फंक्शन साई। और ये साई क्या है हमारा पोजीशन पर और टाइम पर डिपेंड करता है। पोजीशन के लिए हमने आर यूज कर लिया है, टाइम के लिए हमने टी यूज किया है। या पोजीशन को आप एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड टी ऐसे भी हम मेंशन कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कौन से, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड ए टाइम टी। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, क्योंकि पूरी तरह से स्टेट डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और वेव फंक्शन, वेव की फॉर्म में हम इसका फंक्शन हमको वैल्यू मिलता है, तो इसलिए हम इसको वेव फंक्शन भी बोलते हैं। वेव नेचर को भी डिस्क्राइब क्या ये बताता है। ठीक है, द स्टेट फंक्शन और वेव फंक्शन एंड हैज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्या प्रॉपर्टी है वो, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डीटो, डीटो इसमें वॉल्यूम एलिमेंट होता है, साई स्टार क्या होता है वेव फंक्शन साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। ठीक है, और डीटो इसमें वॉल्यूम एलिमेंट, साई हमारा फंक्शन होता है। इन द वॉल्यूम एलिमेंट डीटो ऑफ द पार्टिकल, कहाँ है पार्टिकल, पोजिशन आर पर टाइम टी पर। ठीक है, लोकेटेड एट पोजिशन आर एंड एट टाइम टी। सेकेंड वाला क्या है आपका पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट आया था पहले, फिर उसको बाद में हर्मिशन ने इसको क्या किया था, चेंज भी किया था कुछ कंडीशंस लगाकर। तो उसने कहा कि जितने भी ऑब्जर्वेबल हम क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी करते हैं और क्वांटम में हम माइक्रो की स्टडी करते हैं। तो क्लासिकल में जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए जो भी ऑपरेटर यूज करते हैं आपके, जैसे पोजीशन, जो भी आपका ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं जैसे पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, तो यहाँ पर उनके रेस्पेक्ट में उनके ऑपरेटर होते हैं, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये भी आपका जितने भी आपके ऑब्जर्वेबल क्लासिकल में होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटम में क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जिनको हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बोलते हैं। बाद में हर्मिशन ने कहा कि नहीं कुछ चेंज करते हैं इसमें, उसने कुछ कंडीशंस लगाया कि हम ऐसे ऑपरेटर यूज करेंगे, वो ऑपरेटर हमारे हर्मिशन ऑपरेटर कहलाएंगे। फिर बाद में हर्मिशन की कंडीशन थी कि हर्मिशन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं अगर हम फंक्शन को इंटरचेंज कर दें तो ओवरऑल वैल्यू चेंज ना हो, ऐसे ऑपरेटर को हम हर्मिशन ऑपरेटर करेंगे, उसको हम नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले। ठीक है, हर्मिशन चेंज दी अबाउ पोस्टुलेट। ठीक है, क्या किया उसने चेंज, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज ए हर्मिशन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब आते थर्ड पोस्टुलेट्स पर। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, इन एनी मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल, जो भी हम ऑब्जर्वेबल को, जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं उसका ऑपरेटर फंक्शन साई के ऊपर ऑपरेट कराते हैं, फिर फंक्शन हमको एज इट इज मिल जाता है, उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं और फंक्शन को हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। और ये पूरी इक्वेशन जिसमें ऑपरेटर ने फंक्शन को ऑपरेट किया, आइगन वैल्यू दी, फंक्शन को एज इट इज दिया, ये पूरी इक्वेशन हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। तो ये वाला आपका आइगन वैल्यू वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था वो हमारे इस पोस्टुलेट से आया। इन एनी मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल एसोसिएटेड विद ऑपरेटर ए The only value that may be observed is eigen value. Small a से हमने इसको eigen value को represent किया, constant value होती है That satisfy the eigen value equation. ठीक है, तो ये हमारे तीन postulate, अभी हम fourth and fifth postulates भी करेंगे। अब आते हैं हम postulate number four पर, तीन हमारे postulate हो चुके हैं। Fourth postulate क्या है हमारा, ये average value से या expectation value से related है, उसका जो concept आया था वो इसी postulate से आया है। If a system is in a state that is described by normalized wave function size, ये क्या होता है normalized wave function? पीछे ही पढ़ा हमने normalization में, कैसा function जिसके लिए psi star psi d2 इसका value equal to 1 के आता है, वो function normalized wave function कहलाता है। ठीक है, तो उस वाले function के लिए
तो ये क्या होगा, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग टू ए इज गिवन बाय, हमने पीछे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था लेक्चर, उसमें बताया था कि जिसका भी हमको एवरेज वैल्यू निकालना होता है कॉनिकल ब्रैकेट में उसको रखते हैं, और उसको निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई के बीच में ऑपरेटर को रखकर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट यहाँ लगा देते हैं, एल लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। इसमें साई स्टार क्या है, साई स्टार इसमें कॉम्प्लेक्स से कॉन्जुगेट ऑफ साई कहलाता है। अगर फंक्शन बाय चांस आपका नॉर्मलाइज नहीं है तो यहाँ अब डिनोमिनेटर में साई स्टार साई डिटो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन नॉर्मलाइज है तब उसका वैल्यू वन हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं हम। अगर ना होता फंक्शन नॉर्मलाइज तब हमको यहाँ डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ता साई इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डिटो, ओके। अब आते हैं फिफ्थ पोस्टलेट। फिफ्थ पोस्टलेट एक्चुअल में हमारा टाइम पर, जो टाइम डिपेंडेंट हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ये उस पर बेस्ड होता है। द वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन ऑफ ए सिस्टम मे बी रिप्रेजेंटेड बाई टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और वो क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच फंक्शन साई को ऑपरेट करता है, और ये फंक्शन साई किस किस का फंक्शन है, कोऑर्डिनेट्स, फंक्शन साई किसका है आपका, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का और टाइम का, और लेकिन हमें तो टाइम की फॉर्म में चाहिए, आई एच कट, आई एच कट लिख सकते हो इसको, या आई एच अपॉन टू पाई लिख सकते हो, डेल बाई डेल टी ऑफ साई, ये हमारा क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वेयर एच इज, एच क्या है हमारा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, साई क्या है, फंक्शन है, किस किस पर डिपेंड करता है फंक्शन साई, कोऑर्डिनेट या पोजीशंस एक्स वाई जेड पर और टाइम पर, ठीक है। सिंस दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, देखिए डेल बाई डेल टी लिखा हमने, डी बाई डी टी नहीं लिखा, कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, सिंस दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग बोथ पोजिशन एंड टाइम वेरिएबल्स, इट कंटेन्स, या इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो दो वेरिएबल आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के और टाइम के, हमें उनको सेपरेट करना पड़ा है, क्योंकि हम दो दो टाइप के वेरिएबल्स को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो एक टाइम पर एक ही को करते हैं। जब हमारा फंक्शन के लिए दो वेरिएबल का होता है और हमें एक की वैल्यू निकालनी है, एक के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल करना है, तो दूसरे को हम कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम पार्शियल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। It can be solved only by separating it into two differential equation, one containing position variable x, y, z and other containing time variable t. This can be done. कैसे? Function, total function है psi. Psi किस किस का function है? Q और t का. Q हमने use कर लिया है x, y, z के लिए. Q क्या है? Collective symbol है. किसका? Position coordinates या cartesian coordinate x, y, z का. ठीक है, इसीलिए हमने इसको अलग अलग क्यू की फॉर्म में फंक्शन को अलग लिया और टाइम की फॉर्म में हमने इसको फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, और दो फंक्शन एक पोजीशन की फॉर्म में एक टाइम की फॉर्म में, और फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं, तो मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपलिसिटी के लिए हमने अब यहाँ का क्यू और टी हटा दिया, सिर्फ टोटल फंक्शन साई को हमने स्मॉल साई इंटू फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल साई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, फाई टाइम की फॉर्म में। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन निकालनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया क्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये क्यू वाले पार्ट को ही डिफरेंशिएट करेगा, फाई वाला तो टी का पार्ट था ना, टी का फंक्शन था, इसको उसने एज इट ही रखा और डेल बाई डेल टी ऑफ साई किया, सही है, सॉरी डेल बाई डेल क्यू, डेल बाई डेल क्यू ऑफ साई, सेम ऐसे ही आपका, इस बार हमको साई का टोटल फंक्शन साई का क्या चाहिए, हमको डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए उसकी, किसकी फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में, तो डेल साई बाई डेल टी इक्वल्स टू, अब फंक्शन ये जो टोटल फंक्शन है, अब वो किसी, ये जो आपका ऑपरेटर है इतना पार्ट डेल बाई डेल टी, वो किसको ऑपरेट करेगा, वो फाई वाले पार्ट को ऑपरेट करेगा, क्योंकि फाई ही हमारा टाइम का फंक्शन है, तो इसने साई को जो कोऑर्डिनेट का फंक्शन था क्यू का उसको बाहर किया और डेल बाई डेल टी ऑफ फाई, तो इस तरह से हमारी क्या है, ये हमारे पांच पोस्टुलेट्स हुए, इसी के ऊपर आपका पूरा आपका क्वांटम इन्हीं पांचों पोस्टुलेट्स के ऊपर वन बाय वन करके, ऐसे कभी कोई सा पोस्टुलेट यूज आता है, कभी दूसरा पोस्टुलेट यूज आता है, इसी तरह पूरा क्वांटम इन्हीं पांच पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड होता है, ओके, थैंक यू।